नमस्कार दोस्तों, मैं ही भाई इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रहा हूँ, इसका कासिम। और मेरे पास आज आया है एक 24 इंच का LED जो चाइना में है और ये स्काई वर्स कंपनी के नाम पे है। और इसका प्रॉब्लम क्या है आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए, और एंड तक ज़रूर देखें। अगर एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काट काट कर देखने से आपका समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिन भाई आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अगला मैं वीडियो जब भी डालूं आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, जो प्रॉब्लम आपको दिखाए हैं वो तो आप देख ही लिए हैं। तो मैं ये LBDS केबल चेंज कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा होगा तो आसानी होगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं अब देखिए। ये केबल को मैं चेंज करना चाहा LBDS केबल का, तो मैं चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि इसका जो LBDS केबल है थोड़ा अलग टाइप का है, ये जी का अलग है। तो इसका असल में क्या प्रॉब्लम है देखिए, ये DC to DC IC के बगल में ये कॉइल है, जो यहाँ एक कैपेसिटर है, या कैपेसिटर के यहाँ ये बर्न है। तो हो सकता है ये कैपेसिटर शॉर्ट होकर बर्न हो गया है और इस IC में सप्लाई नहीं पहुँच पा रहा, इसीलिए हो सकता है इसका प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम क्या होता है, DC सप्लाई जो होता है वो तो इन होता है, लेकिन DC to DC IC हो के जब ABD वोल्टेज बनने के लिए जो कैपेसिटर चार्जिंग कैपेसिटर का ज़रूरत होता है, वहाँ तक अगर नहीं पहुँचेगा या अगर शॉर्ट रहेगा तो ही ये प्रॉब्लम आता है। तो ये कैपेसिटर मैं पहले चेंज करूँगा, उसके बाद ही आगे का कुछ दिखाऊँगा। और इसका कि मदरबोर्ड का भी कैपेसिटर एक ख़राब है, जिसका स्टैंड बाय का भी प्रॉब्लम आता है। तो इसका प्रोसेस क्या है देखिए, मैं इसको चेंज करता हूँ और एक बार लाइन देख के आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटर का वजह से इसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये पैनल ऑन हो चुका है। चलिए थोड़ा बहुत मैं वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसका फॉल्ट हमको नज़र आ गया तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊँगा। इसका प्रोसेस यही है कि सबसे पहले VCC सप्लाई देखना होता है, VCC सप्लाई के बाद 3.3 सप्लाई देखना होता है, जो कभी कभी 3.3 सप्लाई DC to DC से निकलता है, कभी कभी एक रेगुलेटर अलग से दिया होता है, वहाँ से 3.3 सप्लाई दिया जाता है टिकन IC में। 3.3 बनने के बाद और एक वोल्टेज होता है जो कोर वोल्टेज होता है, वो भी मौजूद है। और एक एनेबल सिग्नल टिकन IC से निकलता है, जो DC to DC में जाने के बाद ही बूस्ट वोल्टेज बन पाता है। तो यहाँ खाली मेरा ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ है, मैं दूसरा कुछ सोचे बगैर मैं इस IC के बगल में जो कैपेसिटर है उसको मैं चेंज करूँगा, उसके बाद ही आगे पता चलेगा कि इस कैपेसिटर के वजह से या IC के ख़राब होने के वजह से ये प्रॉब्लम आया है। क्योंकि इसका बूस्ट वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आगे का जो वीडियो बनने का जो वोल्टेज होता है VGH VGL, वही वोल्टेज नहीं बन रहा। तो असल में जब तक आपका बूस्ट वोल्टेज ABD वोल्टेज नहीं आएगा, तब तक आपका आगे का वोल्टेज नहीं बनेगा। तो मैं ये चेंज कर दिया हूँ, और इसका कनेक्शन भी बीच में छूट गया था बर्न होके, तो उसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको पिक्चर में दिखाऊंगा। और हो सके तो अगर वोल्टेज ज़्यादा, मेरे पास आज टाइम नहीं है, तो मैं सोचा कि इस वीडियो को शेयर कर दूँ, जो बिल्कुल नए काम सीख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा कुछ पहले छेड़छाड़ ना करते हुए, जहाँ प्रॉब्लम अगर आपको दिख गया वहीं पहले आप सोल्यूशन कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। पहले शॉर्टिंग चेक कर लेना है। तो यहाँ हमको शॉर्टिंग कहीं नहीं मिला, खाली यहीं बर्न था। तो मैं सबसे पहले इसको सुधार के
मैंने सॉर्टिंग पहले देख लिया है ताकि मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि आजकल वीडियो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी टेक्नीशियन जो नए हैं वो तो बिल्कुल ही काम सीख गए हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत शेयर कर दिए हैं, तो चलिए मैं आगे का दिखाता हूँ। हो गया है मेरा, इसका वोल्टेज सब सही बन गया है। अब देखिए इसका नो सिग्नल आ गया है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाई नए बिल्कुल आज पहली बार देख रहे, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। और मेरा वीडियो का अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिख के। और थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।